नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर लगातार सुबह से ही अन्य खबरें आ रही हैं। मीडिया का घराना लगातार ये कंफर्म कर रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। वहीं कुछ ऐसे सोर्सेस भी हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि वो अभी नहीं गुजरे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ये कन्फर्मेशन उनके फेसबुक पेज पर आ गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसको लेकर जब भारत लाइव की टीम ने उनके आसपास के लोगों से कन्फर्म करना चाहा तो मोहम्मद मेहताब आलम, जो कि उनके काफ़ी करीब भी लोगों में से एक हैं, उन्होंने भरी हुई आवाज़ में ये बातें बताईं कि हाँ, शहाबुद्दीन अब हमारे बीच नहीं रहे। यानी कंफर्म हो गया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि लगातार कोरोना के इस प्रकोप से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, बताया था कि 68 के आसपास हो गया था, जिसके बाद रात से ही ज़िंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे थे। अब खबर ये कन्फर्म हो चुकी है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं रहे। मोहम्मद मेहताब से हमारी जो बातचीत हुई है उसका अंश हम आपको नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि जो शोक संतापित परिवार है वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई ऑफिशियल बयान दे सके। लेकिन भारत लाइव ये कंफर्म करता है कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे। उनके समर्थकों के बीच सुबह से ही कई तरह की खबरें जाने के चलते, उनके ज़िंदा रहने और नहीं रहने को लेकर कई खबरें लगातार सिवान में जा रही थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न का माहौल क्रिएट हो गया था। फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऑफिशियल पेज पर अपडेट भी आया कि वो अभी ज़िंदा है, लेकिन अभी से आधे घंटे पहले उन्हीं के फेसबुक पेज पर ये लिखा गया कि हर शख्स को मौत नसीब होनी है, वो अल्लाह के पास जा रहे हैं। सीधी बात है, उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बिहाफ में उनकी तरफ से जो उनके फेसबुक पेज को हैंडल करने वाली टीम है उसने अपडेट दे दिया है। परिवार के सदस्यों से भी हमारी बात हो चुकी है। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।